यूपी के लखीमपुर खीरी में बाढ़ के चलते हुए नुकसान को लेकर समय पर बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री न मिलने से नाराज पीड़ित शिकायत लेकर पहुंचे डीएम कार्यालय। बता दें कि बीते हफ्ते लखीमपुर खीरी में बाढ़ से आपदा में सरकार की तरफ से बाढ़ पीड़ितों को समय पर राहत सामग्री उपलब्ध कराए जाने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन निघासन तहसील के ग्राम पंचायत मदनापुर गाँव के बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री न मिलने से नाराज पीड़ित आज दर्जनों पीड़ित डीएम कार्यालय पहुंचकर डीएम को लिखित शिकायत दी और स्थानीय प्रशासन पर समय से सामग्री न पहुंचाने का आरोप लगाया। सर, हम लोग मदनापुर से आए हैं, मदनापुर निघासन तहसील में लगता है, और सर हम लोग बाढ़ से बहुत पीड़ित हैं और वहाँ जो सरकार द्वारा सुविधा दी जा रही है वो हम लोगों तक नहीं पहुंचाई जा रही है और रास्ते चारों तरफ कटे पड़े हैं, फसलें सब नुकसान हो गया। हम लोग इस समय अन्न का एक एक दाने से मोहताज हैं, हम लोग बहुत परेशान हैं सर। और जो बाढ़ द्वारा किटे सरकार द्वारा बांटी गई थी राशन की, वो लेखपाल और उसका मुंशी लेकर चले गए, कुछ लोगों को देकर थोड़ा बहुत और वीडियोग्राफी करके और चले गए, लालबुझे में देकर थोड़ा बहुत और वीडियोग्राफी कर चले गए। और हमारे चार मौजे ऐसे ही पड़े हैं वहाँ, कोई आज तक कोई अधिकारी देखने नहीं गया और वहाँ घर भी बाढ़ से गिरे पड़े हैं, लोग सड़कों पर आ गए हैं सर, हम लोग बहुत परेशान हैं सर। इसकी शिकायत की आपने? हाँ, इसकी शिकायत हम लोग डीएम साहब के पास आज दे दी आपकी। कैसे क्या आश्वासन दिया? डीएम साहब ने कहा है कि जाँच करके सख्त कार्रवाई उस पर की जाए।